IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। सुनते क्या कह रहे हैं मांझी। देखा कि विधानसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में नंद किशोर जी का नाम भी हमने नहीं देखा, यानी विधानसभा में नेता विरोधी दल के किसी भी लोगों को मान्यता नहीं दी गई। तो इस तरह से जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सदस्य कहां बैठेंगे। और इस तरह से जो विरोधी दल की मान्यता को भी उन्होंने समाप्त किया, इस पर हम लोगों को माननीय अध्यक्ष जी के इस आचरण पर संदेह हुआ। क्योंकि वो अपना काम पता नहीं स्वविवेक से करते हों या किसके इशारे पर करते हों, प्रायः गलत काम किया, जिसके चलते हमारे कुछ सदस्यों की जीतन राम मांझी आप अभी देख रहे थे, वो स्पीकर पर हमला कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं डबल बेंच में। स्पीकर ने जो परंपराएं हैं उनका सही तरह से निर्वाह नहीं किया, नहीं होता। हम समझे कि यहाँ पर निश्चित रूप में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो जो कानूनी बात है उसके आधार पर नहीं चल रहे हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि और विधायक के साथ साथ मंत्रियों को भी जान से मारना या अच्छा नहीं होगा यदि इस कार्यक्रम से अपने को अलग नहीं करते हों, उस प्रकार का धमकी भरा उनको मोबाइल में संदेश आया। और खुद हमें जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी धमकी मिली, जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं। हमारे रामेश्वर पासवान जी माननीय विधायक हैं, उनके घर पर 10 आदमी आज 4 दिन से उनके सूचना के बिना वहां पर रह रहे हैं, उनसे अनेक प्रकार की बात करते हैं। फिर और कुछ जो विधायक हैं उनके घर पर भी इसी प्रकार की बात आती रही। तो हमें लगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय से पहले हम लोगों ने अनुरोध किया था कि गुप्त मतदान हो, और उन्होंने गैलरी डिवीजन के साथ साथ गुप्त मतदान के बारे में भी एक ऑप्शन दिया था। हम इन सब कारणों से समझ में आया कि वो गुप्त मतदान कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कल बोल भी चुके कि संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि हम गुप्त मतदान कराएं। तो ये भी लगा कि गुप्त मतदान नहीं कराएंगे तो हमारे विधायकों को एक तरह से जान से मारने, तंग तवाह करने के साथ साथ उनकी सदस्यता समाप्त करने के संबंध में भी थ्रेटनिंग दिया जाता रहा। और बात सही भी थी कि यदि हमारे साथ हमारे लोग बैठ करके अपनी बात कहते या हमारे लिए मतदान करते तो वैसी परिस्थिति में उनकी सदस्यता जाने की भी बात थी। तो हम इन सब बातों को देखते हुए अनुरोध किया आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी को कि ये परिस्थितियां हैं जिससे हम समझते हैं कि जो स्वच्छ वातावरण है पार्लियामेंट्री सिस्टम का वो विधानसभा में नहीं रह पाए, इसके लिए बेहतर होगा कि हम इस्तीफा दे दें और हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी को अपना त्याग। तो पहली बार आधिकारिक रूप से साफ साफ जीतन राम मांझी बोलते हुए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 100 के गुप्त मतदान होने पर वोट देने को तैयार हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों की चर्चा आपको हमने किया उन परिस्थितियों में वे लोग डर गए और या तो
गुप्त रूप में रहना पसंद किया या नहीं, तो माननीय नीतीश कुमार जी। बार बार ये ऑडियो कट रहा है, उनका जमीर काम नहीं कर रहा है, गवाह नहीं दे रहा। 40 विधायकों का दावा कर रहे हैं कि उनके साथ हैं, लेकिन गुप्त मतदान नहीं हुआ। वोट की बारी आए तो समझ ही जाएंगे लोग कि ये वोट कहाँ दिया है, तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो इसलिए हमको लगा कि विधायकों को भी सुरक्षित हम रखें, और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष का जो गैर संवैधानिक और स्वेच्छाचारी जो आचरण है वो आज बरकरार है और आगे भी रहने की उम्मीद है, जिसके चलते हम लोग विधानसभा में जाते तो बहुत प्रकार की बातें आती। आज हमको मालूम हुआ है कि सिविल सर्जन, जिला प्रशासन काफी प्रबंध करके वहां रखा, यानी उसको भी इस बात का एहसास है कि विधानसभा में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हो सकती है, मारपीट हो सकता है, इसके चलते वो लोग भी आशंकित रहे। और इन सब बातों के बाद हम लोग दिमाग में ही लगा एक ही उपाय है कि हम अपना इस्तीफा दे दें और माननीय महामहिम राज्यपाल जी के जो संवैधानिक काम है, संवैधानिक जो उपाय है वो अपना करें, किन्हीं को नेता के रूप में मान्यता दें या सरकार बनाने के लिए न्योता दें, और जब न्योता देने की बात हो तो उनके विवेक पर है कि किसको देंगे। लेकिन आज बात सही है कि जो हमारे साथ करीब करीब जनता दल यूनाइटेड के 40 से लेकर के 51-52 विधायक हमारे साथ हैं, अगर गुप्त मतदान हो तो ये सब हमारे साथ हैं और इसकी नौबत नहीं आने वाली है। इसलिए हमने समझा कि 6 महीना समय और है, हम जो विधायक गरीब होते हैं उनको हम क्यों तंग करें, चूंकि जो कोर्ट में भी केस मुकदमा हो रहा है, चाहे समाप्त होने की बात हो चाहे और बात हो, तो देखा जा रहा है कि हर विधायक को 4 लाख 5 लाख 8 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। तो ये चुनाव का वर्ष है, हम अपने विधायक को नहीं चाहा कि सदस्यता बचाने के लिए वो 5 लाख और 8 लाख रुपया कोर्ट में खर्च करें, उससे अच्छा है कि यदि हम इस इसी में लगे हुए हैं। 2-2 करोड़ रुपया तक के हमें मालूम हुआ, कुछ जो विधायक यहाँ पर आए उन्होंने कहा कि हम अपना जमीन बेच करके काम नहीं करना चाहते, 2-2 करोड़ रुपया तक के, और सीट की जहाँ से चाहेंगे वहाँ से सीट देंगे और मंत्री बनावेंगे, इस प्रकार का लोभ दे करके उन लोगों को एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग किया गया। हम समझे कि इन सब बातों से उबरने का एक ही उपाय है कि हम इस्तीफा दे दें बहुमत रहते भर में भी, और यही हमने किया है। अब महामहिम राज्यपाल के ऊपर निर्भर है आगे का वो क्या करते हैं, यही है। और इसके बाद यदि हम कहना चाहें कि आज जो परिस्थिति आई, हम एक दलित परिवार से आए हैं, सब लोग आप जानते हैं, दलितों में भी जो सबसे दलित, जिसकी राजनीतिक इच्छा कहीं नहीं रही है, कुछ नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम करने के लिए वो आज तक जिया है। एक मौका मिला था, नीतीश कुमार जी ने हमको बिना किसी पैरवी के मौका दिया था, और हमको लगा कि आज मौका मिला है तो उसका हम सदुपयोग करें। लेकिन आप ही लोग कहा है इस बात को, कई एक बार हमने आपसे कहा भी है कि 2-3 महीना हमने काम किया, और सही मैं कहता हूँ, हो सकता है कि वो बात उचित नहीं हो, लेकिन हम अपने मर्जी से कुछ नहीं किया। कौन विभाग किस मंत्री को दिया जाए, कौन मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल हो, जीतन मान उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग भी विभिन्न विभागों का जहां होता था, प्रशासनिक विभाग की बात आती थी, सूची आ जाती थी, उस सूची पर
हमारी कोई इच्छाएं नहीं होती थी, हमें दस्तखत करना पड़ता था। योजनाओं का चयन में भी हम इस प्रकार की बात देखते, हम बहुत कुंठा में थे। इसी बीच हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोगों के माध्यम से ये बातें आई कि जीतन मांझी रबर स्टैंप के रूप में काम कर रहा है, जीतन मांझी रिमोट से काम कर रहा है, तो स्वाभाविक है हमारा जो स्वाभिमान था वो जागा। और जागा तो हम कोशिश किया है, कोई काम आगे नहीं बहुत बढ़ाया है। और कोशिश जब करने लगे तो माननीय नीतीश कुमार जी के जो अगल बगल के तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक की स्थगित की जाती है। महामहिम राज्यपाल बिहार के आदेशानुसार माननीय नीतीश कुमार जी को प्रबोधन देने में, उनको बरगलाने में, और हमको आश्चर्य हो रहा है माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, जो हाल हाल तक उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का सबसे निचले पैदान पर रहने वाले जीतन मांझी को मौका मिला है तो हम इसको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन इधर 15 दिन में पता नहीं कौन करिश्मा हुई, किस तरह की बातें आई कि उन्होंने भी चुप लगा दिया। तो आज हमारे सामने ये परिस्थिति बनी कि हम जो काम करना चाहते थे वो काम नहीं कर पाए वहाँ पर भी, और रसाकसी होने लगी, दूसरे लोगों से बयान दिलाए जाने लगा, दूसरे लोगों से एक तरह से गालियाँ हमको दी जाने लगी कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये जो महादलित के लोग हैं, ये लोग आक्रमण होता है, ये सुशासन नहीं चला सकता, विकास का काम नहीं कर सकता। तो निश्चित हमें बहुत सदमा पहुंची, और उसके बाद हमने प्रयास किया कि चाहे जो भी हो हम अपने मन से काम करेंगे, और अपने मन से काम जब करना शुरू किया तो 2-3 महीना पहले से इस प्रकार की बातें आने लगी। कहने का गरज कि हमको 2-2.5 महीना भी ठीक से काम करने नहीं दिया गया। हम समझते हैं भोला पासवान शास्त्री जी 3-3 बार मुख्यमंत्री बने, उन लोगों के साथ भी यही बात हुई थी। राम सुंदर दास जी भी मुख्यमंत्री बने, उनके साथ भी वही बात हुई थी। उसी प्रक्रिया में हम जीतन मांझी के भी साथ ऐसी बातें हुई जो हम नहीं समझते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी को हम अपने दिल में एक आदर्श पुरुष के रूप में जमा करके रखे थे, और ऐसा सोचते थे कि वो इस प्रकार की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने देखा कि लोगों के बहकावा में आकर के उन्होंने भी चाहा कि हम सत्ता संभालें, और हमको मौका मिला था 15 महीना के लिए। 15 महीना में 3 महीना आचार संहिता में जाता, बाकी महीना काम करने का होता, हम काम करते। उस समय अगर हम पार्टी के लिए कुछ गलत साबित, इसे कहा कि जब आप समझें कि जीतन मांझी ठीक काम नहीं कर रहा है, और कई एक चैनल में भी कहा है आपको याद होगा, तो आप अपने श्री मुंह से कह दीजिए कि आप खराब कर रहे हो, हम 1 मिनट भी इस्तीफा देने में हम चुकते नहीं। लेकिन वो भीष्म पितामह के तरह कि द्रौपदी का चिन्ह हरण हो रहा था और भीष्म पितामह देख रहे थे, उसी प्रकार से हमारे श्रद्धेय नीतीश कुमार जी आज जीतन मांझी जो महादलित है, दलित है, अंतर पिछड़ा वर्ग समाज से आता है, उसकी प्रताड़ना हो रही थी, गालियां सुन दी जा रही थी, काम करने से रोका जा रहा था, उसके बावजूद भी अपने श्री मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। वैसी परिस्थिति में हमको लगा कि आज अपना मुंह ये भीष्म पितामह के रूप में है तो निश्चित रूप में है, हमको संघर्ष में जाना चाहिए। और जब शरद यादव जी ने हमको कहा कि आप प्रपोज कीजिए, इस वक्त बिहार विधानसभा से आप लाइव देख रहे हैं, वहां पर हंगामा हो रहा है, बजट सत्र शुरू हो चुका है, मांझी इस्तीफा दे चुके हैं, अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। शोरगुल के बीच बिहार के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने अनिश्चित काल के लिए इस सत्र को स्थगित कर दिया है, विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं इस समय बिहार की विधानसभा से। आमतौर पर आप लोकसभा में देखते हैं कि तुरंत एक बोर्ड लगा हुआ आ जाता है कि कार्रवाई स्थगित हो गई है, लेकिन इस वक्त
बिहार विधानसभा से, ये विजुअल्स अभी भी आपको नजर आ रहे हैं। माफ कीजिए, बिहार के विधानसभा अध्यक्ष ने अभी अभी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। अभी स्पीकर को आप देख रहे थे घोषणा करते हुए कि अनिश्चितकाल के लिए बिहार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लौटते हैं जीतन राम मांझी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। गरीबों में जो जो काम किया है, अगर उसका फ्रिस्ट आप कहेंगे तो हमारे पास फ्रिस्ट अनेक फ्रिस्ट है जो आज वो। आपको पेन्हा प्रेस क्लब, आप जो ये पेंशन के लिए आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उसको भी हम भी पहले कहते थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं होने दिया जा रहा था। दावा ये कर रहे हैं कि चूंकि राज्यपाल ने सीक्रेट बैलेट से, गुप्त मतदान से विश्वास मत नहीं होने दिया, इसीलिए आखिरकार मांझी ने फैसला किया कि वो इस्तीफा दे देंगे। मांझी का दावा यह है कि स्पीकर ने नियमों की अनदेखी की। और मांझी तीन चार बातें कह रहे हैं, एक तो कि वो कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि 140 विधायकों का समर्थन उनको हासिल था जिसमें जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक थे, लेकिन वो तभी वोट दे पाते जब स्पीकर सीक्रेट बैलेट को, गुप्त मतदान को अलाउ करते। इस तरह की बात कही जाती थी और हम कहा करते थे कि अगर बिहार में, तो ज्यादा लाभ होगा, चाहे शिक्षा का हो,